हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास नाइन्थ की साइंस की बुक का चैप्टर 13, व्हाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमें जो फीवर आता है या हमें कोई डिसीज हो जाती है तो वो किन वजहों से होती है और हम उससे अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं और बीमारियों की वजह क्या क्या होती है। ओके, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो जो हेल्थ होती है वो एक, अगर आप कह रहे हो कि ये पर्सन हेल्दी है तो आप उसमें क्या चीजें देखोगे। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है और वो सोशली हेल्थी नहीं है तो आप उसे हेल्दी नहीं बोल सकते। सोशल का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए अब आपको कोई आपके घर के बाहर डेली कूड़ा फेंक जाए और आप उसे समझा रहे हो कि भाई हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, ऐसा आप हमारे साथ ना करें, तो वो आदमी फिर भी ना माने, जिसकी वजह से आपके उससे फाइटिंग होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो ये चीज जो है ये सोशली हेल्दी में नहीं आती, तो वो सोशल तौर पर अनसोशलाइज्ड पर्सन है, वो सामाजिक नहीं है, जो दूसरों का ख्याल नहीं रखता और वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में देख रहा है। तो एज अ पर्सन जो है वो सोशली नहीं होता, और भी काफी चीजें वो ऐसी करेगा जिससे आप इरिटेट हो, तो ऐसा पर्सन हम सोशली नहीं मानते। तो ये हेल्दी जो है वो सोशल तौर पे हेल्दी नहीं है, तो वो हेल्थ के रेशियो पे अनफिट रहता है। ठीक है, अब बात आती है मेंटली। तो आप देखिए कोई मेंटल पर्सन है, मेंटली अगर कोई पर्सन होगा तो वो प्रॉपर वर्क करेगा, मतलब कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा जो पागल लोग करते हैं। तो जो हम पागल किस बेस पे कहते हैं किसी पर्सन को, क्योंकि वो मेंटल तौर पर हेल्दी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है फिजिकली। अब कोई इंसान फिजिकल तौर पर अगर हेल्दी नहीं है तो हम उसे फिजिकली हेल्दी नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर वो बीमार पड़ जाए बार बार या उसे कोई ऐसी डिसीज हो जिसकी वजह से वो प्रॉपर चल ना पाए या उसको चलने में तकलीफ हो, फीवर रहता हो, ठीक है, तो हेल्थ के रेशियो पर फिजिकली, मेंटली और सोशली आपको ओके होना चाहिए, तो जब जाके हम उस पर्सन को हेल्दी कहते हैं। ओके, अब देखिए हेल्थ जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है डिसीज में और पर्सनल एंड कम्युनिटी। पर्सनल एंड कम्युनिटी मतलब आप पर्सनल तौर पर और कम्युनिटी जो आपके आसपास लोग रह रहे हैं उस पर आप प्रॉपर खड़े उतर रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल जो होते हैं आप पर्सनल तौर पर हेल्दी हो तो कम्युनिटी भी हेल्दी बिल्ड होगी। आप एक कम्युनिटी बीमार लोगों की ले लीजिए, एक कम्युनिटी आप हेल्दी लोगों की ले लीजिए, तो आप उसमें हेल्दी कैसे कहेंगे उस कम्युनिटी को जो प्रॉपर हेल्दी है और अपने आसपास वो लोगों को जागरूक करती है हेल्दी रहने के लिए। ओके, सेकेंड देखते हैं हम डिसीज में। तो डिसीज जो होती है बीइंग अनकंफर्टेबल, जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील हो, इसमें होता है एक्यूट डिसीज जो होती है। तो एक्यूट डिसीज वो होती है जो जल्दी आपको हो जाए, जैसे कोल्ड फीवर या आपको छींके आने लगे हैं, तो वो जल्दी हो जाती हैं और फिर वो ठीक भी जल्दी ही हो जाती हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं और शॉर्ट टाइम में ही हो जाती हैं वो, तो वो एक्यूट होती है। क्रोनिक जो होती है ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होती है और इनका जो क्योर होता है या तो वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा या फिर वो लाइफ टाइम चलता है। सपोज कीजिए डायबिटीज हो गई, तो ये क्रोनिक है, धीरे धीरे डेवलप हुई और ये फिर लाइफ टाइम चलती है अगर इसका क्योर नहीं हुआ। ठीक है, और डायबिटीज का क्योर है भी नहीं हमारे पास। तो ऐसी काफी डिसीज होती है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है और वो सही हो भी सकती हैं और लाइफ टाइम नहीं भी हो सकती। एक होती है इन्फेक्शियस, मतलब इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, तो उसमें भी डिसीज होती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं। एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, जिसमें इन्फेक्शन नहीं होता और फिर भी वो डिसीज हो जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इन्फेक्शियस डिसीज की। तो इन्फेक्शन वाली जो डिसीज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, स्प्रेड बाई पैथोजेंस, वो स्प्रेड होती है, मतलब वो पैथोजन से फैलती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस। तो ये जो होते हैं ये इन्फेक्ट स्प्रेड होते हैं पैथोजेंस के थ्रू, तो ये बीमारियां जो हैं ये स्प्रेड होती हैं। ओके,
प्रिवेंशन जो होती है वो आपकी जनरल वे से हो जाती है या स्पेसिफिक वे से, मतलब जनरल वे जर्नली हो जाती है, और स्पेसिफिक वे जो होते हैं वो आपकी इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन जो होता है, देखिए आपने वैक्सीनेशन सुना है, अभी कोविड आया था तो कोविड की वैक्सीन लगा लो, वैक्सीन लगा लो, तो वो वैक्सीन क्यों लग रही थी, क्योंकि वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए थी, ताकि अगर हम पर कोविड का वायरस इफेक्ट ना डाले, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उस चीज को कहते हैं वैक्सीनेशन, लेकिन इसका सही नाम जो है वो इम्यूनाइजेशन है, मतलब वो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर रही है, तो अगर आप इसको इम्यूनाइजेशन कहेंगे तो बेहतर है, ठीक है, या आप वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं। अब छोटे बच्चों के प्रॉपर वैक्सीनेशन होते हैं, तो उस कंडीशन में वो बच्चे, ताकि उनके अंदर जैसे पोलियो के टीके लगना, या उनके अंदर जो बच्चों के टीके लगते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो घर में बॉर्न होते हैं, आसपास देखिए आप या घर में हो, तो उनका वैक्सीनेशन होता है टाइम टू टाइम, तो उस कंडीशन को कहते हैं इम्यूनाइजेशन, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप कराई जा रही है उस चीज से लड़ने के लिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं ट्रीटमेंट। अब इन सब चीजों का ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स, दवाएं और एंटीबायोटिक्स इसका ट्रीटमेंट है, ओके। तो हेल्थ में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, और मैंने आपको एक रेफरेंस ज्यादातर यहाँ दे दिया, और आगे भी यही बातें आएंगी, ओके। तो हेल्थ इज अ जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, हेल्थ जो है वो एक जनरल कंडीशन है पर्सन के माइंड बॉडी की, ठीक है, ओके। हेल्थ इज जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन माइंड एंड बॉडी अकॉर्डिंग टू WHO। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आपने देखा होगा बहुत सी कार जो आपके पास से निकलती है व्हाइट कलर की हो या अदर कलर्स हो, तो उनपे WHO लिखा होता है बड़ा बड़ा, तो मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में चलती है, और इसका नाम WHO है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। मैंने आपको बताया कि आप हेल्थ का रेशियो कैसे नापोगे किसी भी पर्सन का, आप उसको फिजिकली देख के हेल्दी नहीं बोल सकते, मेंटली देख के हेल्दी नहीं बोल सकते, सोशली देख के हेल्दी नहीं बोल सकते, ओके। आपको उसके अंदर ये तीनों देखना होगा कि ये फिजिकल तौर पर हेल्दी है, मेंटल तौर पर हेल्दी है, या सोशल तौर पे हेल्दी है। अगर ये तीनों रेशियो पे ओके है वो पर्सन, तो आप उस पर्सन को हेल्दी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप अपने फ्रेंड्स को अनहेल्दी मत बोल दीजिएगा। मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन, तब जाके हम उसे कहेंगे ये पर्सन हेल्दी है, ओके। अब देखिए, टू मेक पीपल हम अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ कीपिंग हेल्दी एंड डिसीज फ्री, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑफ 7th अप्रैल। तो देखिए, हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आप हेल्दी रहिए और डिसीज फ्री रहिए, तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया, जो कि आपका था 7th अप्रैल। देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे किस डेट को आपने बनाया, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो हम बनाते हैं वो 7th अप्रैल को बनाते हैं, ठीक है, अप्रैल को। तो इस बात को आप याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो आपका 7th अप्रैल होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पुटअप कर लिया जाता है, जैसे कि आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के तौर पर, या आप लोगों के जो पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे ये होते हैं, तो उसमें आपके ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, 7th अप्रैल, ओके। तो इस बात को आप याद रखिएगा। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकल, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। मैंने आपको ये बात बता दिया कि हम हेल्दी जब भी बोलेंगे जब फिजिकली, मेंटली एंड सोशली है, ठीक है। अब डिसीज, डिसीज क्या है, एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए, बॉडी के किसी भी ऑर्गन या पार्ट में, पार्ट में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डिसीज। अब हमारी बॉडी है, उसका टेम्परेचर देखिए, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब अगर हमारा टेम्परेचर इससे ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हम
अपने स्ट्रक्चर तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो फीवर के सिम्टम्स हमें दे रही है, और हमारी बॉडी में थोड़ा सा अलकस रहेगा और हमें थोड़ा पेन भी होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फीवर आ गया हमें। अब ऑर्गन्स में क्या होता है, सपोज कीजिए आपके ऑर्गन्स में दर्द हो रहा है बॉडी के, तो आप क्या कहोगे, नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है। तो इस तरह का डिस्टरबेंस कुछ भी आ जाए तो वो आपको डिसीज के सिम्टम्स है। ओके, द वेरियस कॉजेज ऑफ डिसीज आर पैथोजेंस। अब ये सब जो हर आपकी बॉडी में जो डिसीज कॉजेस कराई जाती हैं, तो वो किसके थ्रू होती हैं, मतलब आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की डिसीज आई तो उसके आने के कारण क्या है, उसके आने की वजह क्या है, आप वायरस, बैक्टीरिया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, डाइट, बैलेंस डाइट, ठीक है, एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस, ठीक है। अब देखिए, आप गए, आपने किसी भी ठेले से, सपोज कीजिए गाजर बिक रही है, कैरेट या मूली बिक रही है, आप गए, आपने कहा लाओ भाई, सब्जी खरीदी, गाजर ली और उसे हाथ से पहुंचा और लेके खाने लगे। अब आपको पता है वो गाजर उसने साफ पानी से धोई या नहीं धोई, या जब वो ठेले पे लेके चला आ रहा है तो उसने कितनी ज्यादा डस्ट को छुआ। अब ऐसा तो है नहीं वो गाजर ढक के ला रहा हो आपकी कॉलोनी, या वो मार्केट में जो भी वेजिटेबल्स बेच रहे हैं वो ओपन बेचते हैं ताकि लोग देख सकें, तो आपको तो पता नहीं है एप्पल एप्पल कुछ भी आ रहा है, ये कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा, तो आपने लेके खा ली। अब उसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है, तो किसी भी तरीके का पैथोजन हो सकता है जो आपको बाद में पेट दर्द भी दे सकता है, फीवर भी दे सकता है आपको, तो उस कंडीशन में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है बीमार होने की। और आपने पेटेज, बर्गर और पानी पूरी, ये सब आइटम्स जो होते हैं, अब खिलाने वाले आपको क्या पता बनाने वाले के हाथ साफ थे नहीं थे, तो इस तरीके से जो लोग बाहर का ज्यादा खाते हैं वो बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप ऐसे रेस्टोरेंट या दुकान से खाएं जो साफ सुथरी हो और वो अपने प्रोडक्ट को ढककर बेचते हो। ओके, अब बात आती है लैक ऑफ न्यूट्रिशन डाइट, बैलेंस डाइट। अब आप न्यूट्रिशन डाइट क्या हो गई, जो आप न्यूट्रिशन के साथ लो, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन डाइट होती है ताकि आप वो चीजें खाओ जिसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। यही नहीं कि आपको एक आइटम पसंद है तो आप खाने लगे, ऐसा नहीं होता। न्यूट्रिशन डाइट में आपको जो पसंद नहीं होता वो भी खाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। अब न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट आपकी है नहीं तो आप बीमार पड़ोगे भाई। लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस, अब पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होती है, आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया, या क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, किसी भी हेल्थ सर्विस के पार्ट नहीं रहे, मतलब टीकाकरण ना कराना या फिर वैक्सीनेशन ना कराना या इम्यूनाइजेशन ना कराना, वो आपकी बीमारी की वजह हो सकती है। बचपन में आप छोटे थे और आपके प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उसके सिम्टम्स कभी कभी बाद में भी दिख जाते हैं। ओके, एक्यूट डिसीज जो होती हैं ये वो डिसीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म में होती हैं और शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, मतलब कम वक्त में होती हैं और कम वक्त के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड हो गया, फीवर आ गया आपको, 2 4 दिन में सही हो गया, तो इस तरीके की डिसीज एक्यूट डिसीज होती है। एक्यूट डिसीज अगर सडनली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वाइल क्रोनिक डिसीज जो होती हैं ये धीरे धीरे डेवलप होती हैं और फिर ये लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं या फिर लाइफ टाइम रहती हैं। डिसीज डेवलप स्लोली एंड लास्टली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेंगी ये। ओके, आप देखते हैं द डिसीज इन्फेक्शियस कैन बी प्रिवेंटेड बाई लाइफ स्टाइल। अब जो डिसीज होती है वो आपके लाइफ स्टाइल पे भी डिपेंड करती है। आप ही के आए भाई लेट गए, डॉक्टर कह रहे हैं, साइंस कह रही है कि खा के टहलना चाहिए, आपने खाया नहीं। अब सपोज कीजिए अब आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, इनफ रिलैक्सेशन, मॉडिफिकेशन, टेकिंग बैलेंस डाइट, ठीक
गुड पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन एंड ऑल्सो मेंटेन अ क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग। अब अगर आप अपनी ये सब चीजें रखोगे लाइफ लाइफ स्टाइल में तो आप प्रॉपर हेल्दी रहोगे, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि आप एक्सरसाइज करो, प्रॉपर स्लीप लो, ये नहीं है रात भर मोबाइल चलाए या आप पबजी या फ्री फायर में लगे पड़े हैं गेम्स खेलने में रात भर और अननोन वीडियोस देख रहे हैं और रात भर जग रहे हैं, ठीक है, और फिर सुबह स्कूल जा रहे हैं तो आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हुई जिस वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। इनफ रिलैक्सेशन, मतलब आपकी बॉडी बहुत ही कम रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। मॉडिफिकेशन, आप टेकिंग बैलेंस डाइट लीजिए, गुड पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन, मतलब अपने आपको साफ सुथरा रखें और अपने आसपास की चीजों का भी ध्यान दें कि ये साफ है या नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो मेंटेन अ क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग, तो अपने आसपास की सफाई रखिए और अपने आसपास साफ सुथरी चीजें रखिए, ये नहीं सबको आप साफ हैं और आसपास की चीजें गंदी हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस, तो जो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है वो किल करता है माइक्रोब्स एंड पैथोजेंस को, ओके। तो यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो। अब बात करते हैं हेल्थ की, कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ जो है वो आपकी फिजिकल मेंटल एंड सोशली आप बहुत अच्छे हो तो उस पर डिपेंड करती है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ आर, तो कंडीशन क्या है गुड हेल्थ की, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो बेहतर हो, सोशल जो एनवायरनमेंट हो वो आपके आसपास का बेहतर हो, ठीक है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन, और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन गुड हो, ओके। गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड क्लीन सराउंडिंग, आपके आसपास का गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट है, इंक्लूड उसके अलावा आपके आसपास सराउंडिंग जो है वो क्लीन हो, ओके। गुड सैनिटेशन, सैनिटेशन आप समझ रहे हो, जो सैनिटाइजर का यूज कर रहे थे हम लोग कोविड में, जगह जगह हम सैनिटाइजेशन कर रहे थे। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, मतलब एक प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल हो आपकी तरफ, मतलब आपके घर कूड़ा करकट डम्प एरिया जो होता है वो गार्बेज डिस्पोजल कहलाता है। एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और आप जो पानी पी रहे हो वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं गुड इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन जो है इंक्लूड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ईयरिंग टू हैव न्यूट्रिशन न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लीड अ हेल्दी लाइफ। अब देखिए इकोनॉमिक कंडीशन में जो है वो क्या होता है, आप एक गुड न्यूट्रिशियस फूड लें ताकि आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी हो सके। अगर आप न्यूट्रिशियस फूड लेंगे तो आप अपने आसपास और अपनी लाइफ बेहतर जी पाएंगे, ओके, और बीमार आप कम होंगे, इसीलिए न्यूट्रिशियस फूड ज्यादा जरूरी है। अच्छा देखते हैं पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यू बोथ मैटर फॉर हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। सामुदायिक मुद्दे और पर्सनल मुद्दे वो दोनों ही मैटर करते हैं हेल्थ कम्युनिटी पर, ओके। ऑल दोज एक्टिविटीज विच पीपल डू बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी, वो सारी एक्टिविटीज जो लोग अकेले करें, व्यक्तिगत तौर पर करें या फिर ग्रुप में करें, तो वो जो एक डेवलप करते हैं तो वो एक हेल्थ कम्युनिटी के लिए करते हैं, मतलब अपनी सोसाइटी के लिए करते हैं, ठीक है। तो कंस्टिट्यूट द कम्युनिटी हेल्थ, और वो एक हेल्दी कम्युनिटी बनाती है या स्वास्थ्य समुदाय बनाती है, मतलब कोई भी पर्सन अकेले करे या लोगों के साथ करे, अगर वो उन मुद्दों पर बात करता है कि किस तरीके से बेहतर काम करना चाहिए, तो वो एक अपने आसपास की हेल्दी कम्युनिटी बना रहा है, ठीक है। पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, पर्सनल मुद्दे या कम्युनिटी हेल्थ वो सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है।
वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ बाई कीपिंग अवर बॉडी क्लीन। हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी बॉडी को साफ रखकर, ठीक है, ताकि हम अपने आप को साफ रखें, तो उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम ही गंदे घूम रहे हैं तो हम बीमार भी होंगे, और जब फिर हम अपने आसपास जाएंगे तो हमारी बीमारी कुछ ऐसी भी हो सकती है जो स्प्रेड करें, फैलें, तो वो दूसरों को भी लग सकती है। तो हम अपने आसपास क्या कर रहे हैं, अपने आसपास की कम्युनिटी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉर दिस वी ऑल्सो रिक्वायर अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इन अवर सराउंडिंग। और इसीलिए हम अपने आसपास का इन्वायरमेंट हेल्दी रखें और अपने आसपास की जो सराउंडिंग है वो भी हेल्दी रखें। वी कैन हैव दिस ओनली बाई द मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ओके, सो बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। तो इसीलिए पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला एक कम्युनिटी बिल्ड कर लूंगा या आप अकेले एक कम्युनिटी बना लेंगे। आप गए किसी जंगल में अकेले रह रहे हैं, अब आपके आसपास कहाँ से कम्युनिटी है? कम्युनिटी तो वहां होगी ना जहाँ लोग होंगे, तो अपने आसपास की आप कम्युनिटी कैसे बनाओगे? जब आप साफ सुथरे रहोगे तो आपके आसपास के लोग भी साफ सुथरे रहेंगे, तो जब सब साफ सुथरे रहेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो तभी जाके तो आप प्रोटेक्ट होगे। इसीलिए तो क्या कहते हैं, कम्युनिटी का भी तो बेहतर होना जरूरी है। अब आपके आसपास के लोग भी गंदे घूम रहे हैं और नहा धो नहीं रहे और अपने आसपास सफाई का ध्यान नहीं रख रहे, तो वो लोग अपनी सराउंडिंग का ध्यान कैसे रख लेंगे? जब लोग खुद ही साफ नहीं रह पा रहे, जिस बॉडी के साथ वो घूम रहे हैं जब उसी का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो वो अपने आसपास की सराउंडिंग का क्या ध्यान रखेंगे? तो वो कैसे एक हेल्दी कम्युनिटी कहलाएगी? वो तो हेल्दी तो होगी ही नहीं, वो उस कम्युनिटी में तो बीमार लोग ज्यादा होंगे। तो इसीलिए आसपास की कम्युनिटी जब हेल्दी होती है, जब हम खुद हेल्दी हों, हम अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, जब तो हम अपने आसपास की पूरी कम्युनिटी को साफ रख पाएंगे। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिसीज फ्री। तो डिफरेंस देखते हैं हेल्दी और डिसीज फ्री का। बीइंग हेल्दी, बीइंग डिसीज फ्री, इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि आप हेल्दी कब होंगे, हेल्दी की स्टेट क्या है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। आप हेल्दी हो तो आप हेल्दी में गिने जाएंगे। आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप कितने सोशल हैं लोगों से, मेंटली आप कितने बेहतर हैं, फिजिकली आप कितने बेहतर हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकली एंड सोशल इन्वायरमेंट। लोग अपने आस इंडिविजुअली और फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट बेहतर है। ओके, द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ। जो अकेले पर्सन की हेल्थ गुड, हेल्थ जो है वो गुड हो, मतलब वो हेल्दी पर्सन हो, ठीक है। इसमें देखते हैं बीइंग डिसीज फ्री। फर्स्ट, इट इज अ स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिसीज। अगर आपके अंदर डिसीज एब्सेंट है तो आप डिसीज फ्री हैं। इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल पर ही रेफर करती है। द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। अब किसी इंडिविजुअल की गुड हेल्थ है या पुअर हेल्थ है वो भी डिसीज फ्री पर डिपेंड करता है। ओके, अगर वो पुअर हेल्थ का है तो वो डिसीज फ्री नहीं है, ठीक है। डिसीज एंड इट्स कॉजेस, तो अब हम इसमें देखेंगे कि बीमारियां और उनके कारण क्या हैं, कि बीमारियां कौन सी होती हैं और वो किन वजहों से होती हैं, ठीक है। व्हाट डज डिसीज लुक लाइक, कि डिसीज किस तरीके की दिखती है, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिसीज, आइदर द फंक्शनिंग और द अपियरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। अब देखिए, कोई पर्सन है, आपने उसे देखा कि आप पहले मिले और वो हेल्दी था, आपके घर या आपके आसपास हो कोई भी, वो पर्सन ओके था, हेल्दी था। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे वो अपनी उसकी बॉडी में आपको चेंजेस दिखने लगे या आपकी भी बॉडी में चेंजेस होने लगे, तो वो क्या है, वो फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है आपकी बॉडी की, या आप किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको पता नहीं चल रही, तो इसीलिए बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं।
तो ये साफ लिखा है बॉडी विल चेंज, तो बॉडी जो है आपकी वो चेंज होने लगती है। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम एंड साइन ऑफ डिसीज। अब जब ये बॉडी के चेंजेस होंगे तो ये साइन है सिम्टम्स का कि आपकी बॉडी में कोई डिसीज हो सकती है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स द फिजिशियन लुक फॉर द साइन ऑफ अ पार्टिकुलर डिसीज एंड कंडक्ट अ टेस्ट टू कंफर्म द डिसीज। अब जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको ये होता है या आपके पेट में दर्द होता है, आपको रात को नींद नहीं आती, या आपको कोई पेन होता है, आपके हाथ पैरों में दर्द होता है या घुटनों में दर्द होता है, तब वो आपसे सारी जानकारी निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद डॉक्टर आपको फिर टेस्ट लिखते हैं ताकि वो कंफर्म कर चुके कर सकें कि आप किस डिसीज से सफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सरे कराते हैं डॉक्टर्स, या अल्ट्रासाउंड, आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, तो आपकी डिसीज के हिसाब से वो आपसे सिम्टम्स पूछेंगे, फिर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं कि इनको ये डिसीज हो सकती है, तो फिर वो उसमें वो वाले टेस्ट लिखते हैं। ओके, और कुछ डॉक्टर ऐसी भी लिख देते हैं टाइप ऑफ डिसीज। ठीक है, डिसीज के टाइप के होते हैं, फर्स्ट एक्यूट डिसीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड, कफ, टाइफाइड, इसके भी अलावा काफी डिसीज है। क्रोनिक डिसीज भी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताई थी, द डिसीज विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन अ मच एज अ लाइफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिसीज। ठीक है, या तो लॉन्ग, ये पहले तो ऐसा नहीं है, क्रोनिक डिसीज जो है ये नहीं है एकदम हो जाएंगी, ये धीरे धीरे आपके अपने आप को ग्रो कराती है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैलेगा इनका सारा मामला, जब ये प्रॉपर हो जाएंगी तब जाके आपको पता चलेगा, फिर ये बहुत लंबे टाइम में सही होंगी और या फिर लाइफ टाइम में भी सही नहीं हो सकती। एग्जाम्पल डायबिटीज, ये तो सही होती ही नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटेसिस, तो ये जो डिसीज होती हैं ये सही नहीं होती। ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ये डिसीज जो है इसका गवर्नमेंट चलाती है कोर्स, इसका जो कोर्स होता है वो 9 मंथ का होता है, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी टाइप की भी होती हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि इसका कोर्स किस तरीके से चलेगा। सेम कंडीशन डायबिटीज़ की है, एलिफेंटेसिस की है। तो डायबिटीज़ जो होती है या तो ये बचपन से ही होती है, पैदाइशी बच्चों के भी होती है, अगर उनके माँ बाप को है तो बच्चों में आ जाती है, तो उस पर लाइफ टाइम डायबिटीज़ हो जाती है बच्चे को, या डायबिटीज़ एक बार हो जाए तो इसका अभी तक क्योर नहीं है प्रॉपर, कोई कितना भी दावा करे लेकिन डायबिटीज़ का कोई क्योर अभी नहीं है। कॉजेज ऑफ डिसीज, कि डिसीज के कॉज क्या है, डिसीज आर कॉज्ड बाई, डिसीज किससे फैलेगी, पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वॉर्म्स। तो डिसीज जो फैलती है वो पैथोजेंस से फैलती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड और वॉर्म्स से। पुअर हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ पुअर है, एंड अंडर न्यूरिशमेंट, मतलब न्यूरिशमेंट नहीं है, आपकी हेल्थ बेकार है और खाना वाना भी सही से नहीं खा रहे, या आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ले रहा तो आपकी बॉडी पुअर हेल्थ पे तो वैसी चली आएगी। हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकती है डिसीज, कुछ डिसीज होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, मतलब अनुवांशिक होती हैं, पेरेंट्स से चाइल्ड से माना, और हेरिडिटरी करेक्टर्स होते हैं जो चले चले आते हैं। ओके, उस तरीके की डिसीज होती हैं, हेरिडिटरी डिसीज और जेनेटिक डिसऑर्डर डिसीज। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, आपने अपना वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं कराया, छोड़ दिया तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर, वाटर एक्सेट्रा, अब एनवायरमेंटल, हवा में पॉल्यूशन ज़्यादा है या गंदा पानी पी रहे हैं आप तो भी आप बीमार पड़ेंगे। ठीक है, या आप गंदी एयर ले रहे हैं, ऐसी जगह पर सांस ले रहे हैं जहाँ पर प्रॉपर एयर जो है वो प्यूरीफाई, मतलब साफ नहीं है, तो उस कंडीशन में बीमार होंगे, और पानी अगर गंदा पी रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीमार होंगे। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज,
मतलब इन्फेक्शन वाली डिसीज देखेंगे हम एंड नॉन इन्फेक्शन वाली डिसीज देखेंगे इसमें। इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है आपकी, द डिसीज विच स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, ओके, तो उस कंडीशन में डिसीज हो जाती है, आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज। इट इज कम्युनिकेट फ्रॉम डिसीज्ड पर्सन और हेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अब क्या होता है, सपोज कीजिए आपका फ्रेंड है, उसको जुकाम हो गया, अब उसको ऐसा जुकाम हुआ है कि वो फैल कर लग रहा है, ठीक है, वो फैलने वाला है, तो आप उसके पास बैठे हैं, उसने छींका, आपने भी सांस ली, तो वो आपके चले गए, पैथोजेंस आपके अंदर आ गए, अब आपको भी जुकाम हो गया, तो ये वो तो बीमार था, आपको और बीमार कर गया, आप हेल्दी पर्सन थे तो बीमार से हेल्दी पर्सन में आ गया, ओके। कॉज बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट्स, पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, फंगीवॉर्म्स। तो ये किससे कॉज्ड होता है, बायोलॉजिकल एजेंट से, जो पैथोजेंस लाइक वायरस, पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, फंगीवॉर्म्स, तो ये सब आपके हो सकते हैं एक डिसीज पर्सन में और जो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गए, ओके। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी होती है, द डिसीज विच डज नॉट स्प्रेड बाई कॉन्टेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन थ्रू एयर एंड वाटर, इट इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ऐसी डिसीज जो किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट से नहीं फैलती, ठीक है, चाहे वो, मतलब ऐसी बीमारी जो किसी भी तरीके के कॉन्टेक्ट से नहीं फैलती, चाहे एयर गंदी हो, पानी गंदा हो, उसमें कुछ भी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहलाती है, ठीक है। अर्थराइटिस, हार्ट एंड हार्ट डिसीज, जैसे कि अर्थराइटिस हो गई या हार्ट की डिसीज हो गई, तो ये कैसे फैलने से हो जाएगी, ये तो हम उल्टा सीधा जो खा रहे पी रहे हैं, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे हो रही है ये, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती हैं। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमारे चैनल ग्रुप दोनों हैं, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें और ये नॉलेज ले सकें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।